हाँ नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वैद्य वाडेकर अकोला से बात कर रहा हूँ। आपको मैं अभी ऐसी वनस्पति दिखाने जा रहा हूँ जो वात के लिए बहुत कारगर होती है। तो ये देखिए, इसको कहते हैं शास्त्रोक्त भाषा में अरनिका। अरनिका में कि इसमें काली अरनिका कहते हैं इसको। इसको ऐसे फूल आते हैं, देखिए अभी ये फल्ली पर नहीं है, इसको फल्ली आने के बाद में इसको लाल कलर की, सेंदूर कलर की, जैसे सेंदूर के कलर की जैसी फल्ली आती है इसको। हाँ ये देखिए, तो ये इसको ऐसा फूल आता है, देखिए गौर से देख लीजिए, ये इसका फूल है, देखो मित्रों। और मैं अभी यहाँ बालापुर के अंदर कसाखेड़ के एरिया के अंदर जो मैं जंगल में आया हूँ, तो इस अंदर भी कोई वनस्पति दिखी है। और मेरे साथ में ये जिनको लाया मैंने, रहने वाले ये बालापुर के रहने वाले हैं ये, और इनका नाम है बबलूपुरी। हाँ तो इन्होंने इसके बारे में मेरे को थोड़ी सी जानकारी दिया और हमारा बहुत भाई बोले, तो मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ, ये इसके पत्ते कैसे होते हैं। देखिए ये इसके पत्ते होते हैं ऐसे, देखो ये वात के लिए बहुत मास्टर चीज़ है। इसको तेल के अंदर पत्ती ऐसी सरसों का तेल या तिल्ली का तेल इसमें लेकर इसकी उबाल के इसका एक तेल बना के आप शरीर के ऊपर इसको मर्दन करते हैं, तो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इसके खासियत की पहचान ऐसी है कि लकड़ी ऐसे अगर पकड़ेंगे आप तो ये देखिए, ये ऐसे हल्के से लगाने से टूट जाती है। ये देखिए, ये इसके पत्ती है, बहुत नाजुक होता है झाड़ी। और इसको मौसम अभी नहीं है, लेकिन मौसम आने के बाद में इसको एक हरी कलर की छोटी छोटी फल्ली आती है, और उसके बाद में वो सेंधी कलर की होती है। अभी ये फल्ली पर है नहीं कहीं, मैं दिखाने जा रहा हूँ मगर दिख रही नहीं मुझे, तो अभी फल्ली पर नहीं है ये। अगर कभी कोई वीडियो के अंदर मेरे को दिखी तो आपके लिए मैं डालूँगा, तो इसके ज़रूर फ़ायदे उठाइए। और इसके आपको भी कुछ मालूमात होंगी तो इस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के डाल सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, देखिए ये आप अच्छी तरह से ख्याल में लीजिए, ये देखिए।